यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट निकालना नहीं आता तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप कभी भी इसे भूल नहीं पाएंगे। होता क्या है, देखिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवेदन होता है उसे अप्लाई भी कर चुके होंगे, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ जाता है या फिर कोई भी नई लिस्ट आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा उस लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम आवास योजना की जो नई लिस्ट है उसे अपने ही मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसे बिल्कुल आप सरल तरीके से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट और कागजात की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, बिल्कुल दो मिनट में आप इसे घर बैठे मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। कल मुझे एक भाई ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझसे पूछा कि मैं आवास योजना की लिस्ट को अपने ही मोबाइल से निकालना चाहता हूँ। तो देखिए आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये निकालना नहीं आता, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को आना चाहिए। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, थोड़ा भी यदि आपने स्किप कर दिया तो फिर मत कहना कि मुझे यहाँ पर लिस्ट निकालना नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में आपको यहाँ पर गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को इस तरह से ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है pmayg.nic.in, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे डेस्कटॉप साइट पर इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एक ऐड आ जाएगी, तो यहाँ से आपको ऐड को स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आवास स्वैप का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़े यहां पर नीचे जाना है, यहां पर आपको सेक्शन बाय सेक्शन सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे लिए मिल जाते हैं लेकिन हमें इनसे कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहां पर ई सेक्शन में चले जाना है। ई सेक्शन में जो चौथे नंबर का यहां पर ऑप्शन है कैटेगरी बेस SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। इस तरह से जैसे आप अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद नीचे की ओर आपके जो भी ज़िले का नाम है यहाँ पर अपने ज़िले का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद जो भी आपकी तहसील है तो यहाँ पर तहसील को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपकी ग्राम पंचायत है या फिर आपके गाँव का नाम है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद नीचे की ओर आपको एक कैप्चर कोड दिखाई देगा, यहां पर आपको कैप्चर कोड बिल्कुल सही लिखना है। यदि आपने कैप्चर कोड को यहां पर गलत लिख दिया तो आपको यहां पर जो लिस्ट है यहां पर वह नहीं निकलेगी, यहां पर डाउनलोड नहीं होगी। तो यहां पर आपको कैप्चर कोड को सही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना जो कैप्चर कोड है उससे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर घटाना है या फिर जोड़ना है कुछ भी करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़े हमें नीचे की ओर जाना है और आप यहाँ पर आसानी के साथ ही लिस्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपकी लिस्ट निकल कर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट में नाम भी होते हैं इस तरह से, तो आप इसे बिल्कुल इस तरह से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम कहीं पर मिल जाएगा तो आप इस तरह नाम को देख लीजिए। इसके बाद यदि इस लिस्ट को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखना चाहते हैं PDF के रूप में तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर डाउनलोड PDF का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके बाद कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में यह डाउनलोड हो जाएगी, आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको इसको लिए कुछ भी नाम देना है और यह पूरी तरह से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। तो इसी तरह से आप कोई भी नई लिस्ट आती है तो बिल्कुल आसानी के साथ अपने ही मोबाइल से इसे आप डाउनलोड करके PDF के रूप में अपने मोबाइल में रख सकते हैं। यदि आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखा होगा, यदि वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया है तो आपने यूट्यूब पर यह समझ लेना कि आपको हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट निकालने का। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी तरह से पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से बेल को दबा लीजिए यानी कि घंटी को दबा दीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रहें। और कोई भी आपका यदि क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप का लिंक है, तो जाइए वहां पर मैसेज आप कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई दूंगा।